ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾವು ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ भारत माता की, भारत माता की। जगद्गुरु बसवेश्वर मत्तु शिव शरण भूमिगे नन्ना नमस्कार गुरु मंच पर विराजमान कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोमाई जी हमारे सांसदगण भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में आप सबने जिनको विधायक बनाने का निर्णय कर लिया है ऐसे सभी मेरे उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी इस यात्रा की शुरुआत बीदर से हो रही है। भगवान बसवेश्वरा के आशीर्वाद और आप सभी के स्नेह ने मुझे हमेशा आपके लिए काम करने की ताकत दी है। कर्नाटक दा किरीटा बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था। मैं बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन के लोकार्पण के लिए भी आपके बीच आया था। समय के साथ बीदर के लोगों का अपनापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है। ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार। कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। विकसित कर्नाटक यानी कर्नाटक के हर अंचल का संतुलित विकास। विकसित कर्नाटक यानी राज्य में विकास के ढेर सारे ग्रोथ सेंटर्स। कर्नाटक की जनता अब अपने इस सपने से पीछे नहीं हटना चाहती।
मैं जानता हूं आप सब एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटका में विकास की जो रफ्तार देखी है उसके बाद वो रुकना नहीं चाहते और आपके इस सपने को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। साथियों, कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटका को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डबल इंजन सरकार से जो फायदा होता है उसका एक उदाहरण कर्नाटका में आया विदेशी निवेश है। भाजपा सरकार की वजह से देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से कर्नाटका में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटका में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटका में आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है ये उपलब्धि के किस समय हुई। इतना बड़ा महामारी का संकट था, युद्ध चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये हासिल किया है। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। पानी की कमी क्या होती है ये कर्नाटका के किसानों, यहां की माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस सरकार उसके समय देश भर में 100 से ज्यादा ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। बीते 9 वर्षों में दशकों से अधूरी 60 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। इनमें से अनेक प्रोजेक्ट कर्नाटका के भी हैं। यहां बीदर में भी
महकर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जैसे अनेक सिंचाई के प्रोजेक्ट पर आज तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। अब छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था, पैसे हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल ले रहा है कि सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6000 रुपया भेजे तो यहां की भाजपा सरकार ने उसमें 4000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटक के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर 18000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए तो यहां बीदर के किसानों को दिए गए हैं। आप जरा याद कीजिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार भोले भाले किसानों को हर चुनाव के पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। चुनाव से ठीक पहले वो किसानों के कर्ज माफी का ड्रामा करने लग जाते थे और कर्ज माफी धरती पर कभी उतरती नहीं थी। ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया, राजस्थान में वादा किया, अभी तक किसानों के खाते में कुछ गया नहीं है। और जो जाता था वो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ ही किसानों को जाता था। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था
न बैंक ने कभी वो एक रुपये का उनको लोन दिया था, वो तो बेचारे बाहर से बाजार में से साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे और प्राथमिकता दूर कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मदद के लिए ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने का फैसला किया। आज देश पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता था, अब हमारी सरकार में इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का हो गया है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग बढ़ने से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को भी हुआ है। इस बजट में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स को यूपीए सरकार ने जो चूना लगाया था 10,000 करोड़ का चूना, हमने इस बजट के अंदर उस 10,000 का जो उन पर चूना लगाया था वो भी माफ कर दिया, हमने उसकी राहत भी दे दी। इसका भी लाभ देश के गन्ना किसानों को मिलेगा। हमारी सरकार ने मिलेट्स श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का भी अभियान चलाया है। हमारे यहां तो ज्वार की रोटी आप लोगों को बहुत पसंद है, घर घर में खाई जाती है। ये ज्वार और उसकी रोटी जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी तो उसका भी लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, गरीब की तकलीफ, हमारे यहां तो ज्वार की रोटी आप लोगों को बहुत पसंद है, घर घर में खाई जाती है। ये ज्वार और उसकी रोटी जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी तो उसका भी लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, गरीब की तकलीफ कांग्रेस को कभी समझ नहीं आई, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। और कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है, नकारात्मकता में भरी पड़ी है। इसका एक उदाहरण गरीबों को पक्के घर देने की योजना भी है। ये योजना तो 2019 से भी पहले से चल रही थी, लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार रही उसने गरीबों के घर बनाने की स्पीड धीमी कर दी। गरीबों के साथ कांग्रेस इस अत्याचार को बीजेपी सरकार ने ही रोका। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यही बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं, और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपए का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को
लखपति दीदी बना दिया है। साथियों, हमारे देश में गांवों के घरों में नल से पानी ना आने की वजह से भी माताओं, बहनों, बेटियों ने दशकों तक बहुत कष्ट उठाया है। भाजपा की सरकार ने उन्हें इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए ही हर घर जल योजना शुरू की। आज देश भर में 9 करोड़ नए परिवारों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। यहां कर्नाटका के भी 40 लाख से ज्यादा परिवारों को अब नल से जल मिलने लगा है। साथियों, शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, अच्छे इलाज के अभाव में सबसे अधिक परेशानी हमारी माताएं बहनों को ही होती है। गरीब परिवारों की बहनों की सूद कांग्रेस ने इतने दशकों तक कभी नहीं ली, लेकिन आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है। करोड़ों माताओं बहनों के बैंक अकाउंट बीजेपी ने खुलवाए, उसमें सरकारी मदद डायरेक्ट पहुंचे, ये व्यवस्था बीजेपी ने की। बहनों को बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले, ये व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। गरीब मां को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता न करनी पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन का प्रबंध बीजेपी सरकार ने किया। दूसरे शहरों में भी फ्री राशन मिल सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड भी बीजेपी सरकार ने दिया। हमारे बंजारा साथी, उनकी भी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली। ये बीजेपी सरकार है जिसने उन्हें प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, उन्हें विकास के अवसरों से जोड़ा। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सुशासन है। और साथियों, बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा, जाति मत पंथ के नाम पर बंटवारा किया। कांग्रेस ने शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया। कांग्रेस की बेरुखी का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी बीदरी आर्ट है। कुछ दिन पहले बीदरी आर्ट की दशकों तक सेवा करने वाले साथी शार रशीद अहमद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सिर्फ हताशा दी थी, निराशा दी थी। भाइयों और बहनों, बीदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तीर्थस्थली है। गोराटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। गोराटा में किसानों के बलिदान को कांग्रेस ने भुला दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था, उससे भी जो धूल सफाई का काम, ये भी बीजेपी ने किया। भाइयों, अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पित शहीद स्मारक वहां बन गया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। साथियों, अस्थिर सरकार, जोड़ तोड़ से बनी सरकार के दुष्परिणाम
कर्नाटका ने बहुत भुगते हैं। एक अस्थिर सरकार का फोकस लोगों की सेवा पर नहीं होता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुखिया ने माना था कि वो कांग्रेस की दया पर चल रहे हैं। जेडीएस की जवाबदेही कांग्रेस के प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति नहीं है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय, अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है,
कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखे, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटका को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी और मजबूत बीजेपी सरकार चाहिए। और इसलिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, ई बारिया निर्धारा बहुमत का बीजेपी सरकारा, कर्नाटका दो डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल रहे, हर जगह रुकावटें ना आए। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से पूरे हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि कर्नाटका कांग्रेस का एटीएम नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बना रहे। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाएं बंद ना हो। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को भारी संख्या में आप पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। इस बार का वोट विकास के अमृत काल के लिए, इस बार का वोट कर्नाटका को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए। आप सभी का बहुत आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। कर्नाटका में भाजपा के उम्मीदवारों को आपका आशीर्वाद उन्हें आपकी सेवा में और ज्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। भाइयों बहनों, इतनी शानदार सभा कर दी, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, बस अब तो काम हो गया है,
चलो जाओ सो जाओ, अब तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे ना? जरा जवाब दीजिए, नहीं करोगे ना? बूथ में जाओगे, हर घर जाओगे, मतदाताओं को मतदान के लिए निकालोगे, भाजपा की बात बताओगे, पक्का करोगे? अच्छा मेरा एक काम करोगे, आप लोग करोगे बताइए, पक्का करोगे, ईमानदारी से करोगे, घर घर जाकर के करोगे? तो एक काम करिए, 10 मई के पहले सभी मतदाताओं के घर जाइए और जाकर के उनको कहिएगा कि आपके सेवक मोदी जी हमारे बीदर जिले में आए थे और आपके सेवक मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है। ये मेरे नमस्कार उनको पहुंचाओगे, हर माता बहनों को पहुंचाओगे, मेरे नमस्कार अगर पहुंचाओगे ना तो मुझे उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे और उनके आशीर्वाद से मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि मैं दिन रात और ज्यादा काम कर सकता हूं। और इसलिए मेरे लिए आपको ये काम करना है, हर घर जाकर के कहना है कि आपका सेवक मोदी आया था, मोदी ने आपको नमस्कार कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नम्म देशद महासेवक नरेंद्र मोदी जी अवरिगे, नम्म देशद महासेवक नरेंद्र मोदी जी अवरिगे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विराट समावेश आगमी नमेल अभ्यर्थियों मार्गदर्शन देश हमे प्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पक्ष बीदर जिले वत हृदयपूर्वक धन्यवाद अर्पस्तनी। उम्मनाबाद बहिरंग समावेश प्रधानी नरेंद्र मोदी मातिन बन, उम्मनाबाद समावेश मोदी मातिन अस्त्र, कांग्रेस जेडीएस विरुद्ध मोदी वाग्दारी नडेसिदरु, 91 बारी कांग्रेस नायकरु नन्नन्न निंदिसिद्दारे, नन्नन्न बयलु कांग्रेस पट्टी माडी इट्टुकोंडिदे, निंदनेयिंद निम्म समयवन्न व्यर्थ माडबेडि, अभिवृद्धि कडे केलस माडुव बग्गे चिंतने माडि, अंबेडकर सावरकर्गु कांग्रेस निंदिसित्तु, अंबेडकर सावरकर्गे टीकिसिद हागे नन्नन्नु टीकिस्ता इदे, कांग्रेस नायकरिगे मातिन चाटी बीसिद प्रधानी मोदी, खर्गे विष सर्पद मातिगे मोदी तिरुगेटन्न कोट्टंतह परीदु, उम्मनाबाद समावेशदल्ले मोदी मातिन अस्त्र। ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್।